वेलकम बैक टू माई चैनल सो आई होप यू ऑल विल बी फाइन सो सम ऑफ माई फ्रेंड्स कमेंट्स मी टू मेक अ वीडियो ऑन शॉक सो टूडे आई विल टेल यू सम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ शॉक सो अब अगर मैं शौक को डिफाइन करूँ सो so, शॉक ऐसी स्टेट है जिसमें आपके सेल्स टिश्यू हाई पॉक्से में जा सकते हैं मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है आपके सेल्स में टिश्यूज में या फिर ऑक्सीजन की डिलीवरी में भी रिड्यूस हो सकती है या तो आपके ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज हो सकता है बेसिकली शॉक इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ सेलुलर और टिश्यू हाइपोक्सिया ड्यू टू रिड्यूज ऑक्सीजन डिलीवरी और इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन सो शॉक एक रिवर्सिबल है जो कि आप वापस से रिगेन कर सकते हैं बट मस्ट बी रिकोगनाइज एंड ट्रीटेड इमिडिएटली अगर आपने शॉक को इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया तो वो फेटल भी हो सकता है इंसान की मौत भी हो सकती है ये कुछ मैंने ये पूरा नोट्स मैंने हर्ष मोहन से बनाया है आई होप दिस विल हेल्प यू शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स एग्जाम्पल मैं अगर बताऊँ आपको जैसे कि किसी भी कंडीशन में ट्रामा हो जैसे उसका एक्सीडेंट हो या फिर उसे सीवियर पेन और इमोशनल ओवर रिएक्शन सच एज ड्यू टू फ्यर सोरो और सरप्राइज अगर आपको शौक लगा किसी भी तरह का या फिर अब अगर मैं बात करूँ आपने कोई खबर सुनी ड्यू टू एनी रीजन सच एज यू आर इन सोरो और सरप्राइज देन इट इज़ कॉल्ड एज शौक शौक को अब अगर मैं क्लासीफाई करूँ सो ये हर्ष मोहन से मैंने नोट्स बनाया तो हर्ष मोहन में ये फोर टाइप्स दिया है एंड माई फर्स्ट टाइप इज हाइपो वॉलम्पिक शौक हाइपो मीन्स रिड्यूस एंड वॉल्यूमिक मीन्स वॉल्यूम सो दिस मीन्स दैट द ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड रिजल्ट इन इनएड्युकेट सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम बाय एटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज हेमरेज और लॉस ऑफ होल ब्लड अगर आपका किसी ट्रामा में किसी भी थ्रू एक्सीडेंट हुआ देन आपका काफ़ी ब्लड लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी शॉक में जा सकती है इसे ही हम हाइपर शॉक कहेंगे अब अगर मैं कार्डियोजेनिक शॉक की बात करूँ सडन फॉल फ्रॉम एक्यूट डिजीज ऑफ हर्ट रिजल्टिंग इन कार्डियोजेनिक शॉक अगर आपका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया या फिर किसी भी एक्यूट डिजीज की वजह से हर्ट की एक्यूट डिजीज जैसे मैं बात करूँ मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हार्ट अटैक और यू कैन से इन केस ऑफ एंजाइना और हाइपरटेंशन एनी ऑफ सच केसेस रिलेटेड टू योर हर्ट

ट्रोमैटिक शॉक की बात करूँ रिजल्ट फ्रॉम एनी ट्रामा आपका एक्सीडेंट हुआ दैट्स ट्रोमैटिक न्यूरोजेनिक का मतलब है इंटरप्शन ऑफ सिंपथेटिक सिस्टम एंड हाइपो शॉक का पेशेंट फेल टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू स्ट्रेस ऑफ ट्रामा सर्जरी और इलनेस पेशेंट को किसी भी तरह का स्ट्रेस हुआ ट्रामा सर्जरी या इलनेस की वजह से देन द बॉडी कैन गो इन हाइपो शॉक सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक जैसा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया अब मैं आपको ईटियोलॉजी ईटियोलॉजी का मतलब है कॉज उसका कारण जो भी शौक मैंने आपको बताया उसका क्या क्या ईटियोलॉजी कॉज हो सकता है अब मैं वो डिस्कस करूंगी सो so, पहला मैंने बताया आपको हाइपोवॉल्यूमिक शौक हाइपोवॉल्यूमिक शौक का एग्जाम्पल ईटियोलॉजी उसका कारण क्या क्या हो सकता है कोई एक्यूट हेमरेज हो जाए या फिर तो वॉमिटिंग या डायरिया के थ्रू उसे डिहाइड्रेशन हो जाए उसके बॉडी में बर्न की वजह से अगर उसे बर्न हुआ है देन उसके ब्लड वॉल्यूम काफी कम हो जाएगा वाटर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जा सकती है एंड दिस इज हाइपो शॉक हाइपो मीन लेस एंड वॉल्युमस वॉल्यूम एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ हाइपो वॉलिक शॉक नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट द सेकेंड कार्डियोजेनिक शॉक डेफिशियंट एमटिंग एंड डेफिशियंट फिलिंग डेफिशियंट एमटिंग की बात करूं सो so, उसका इटोलॉजी क्या है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कार्डिक एरेथमिया एंड रक्चर ऑफ हर्ट एंड वेंड्रिकल्स ऑफ हर्ट डेफिशिएंट फिलिंग में एक ही एग्जाम्पल दिया है हर्ष मोहन में जो मैंने लिखा एंड ड्यू टू ऑब्रक्शन टू आउटफ्लो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसका कारण है सेप्टिक शॉक सेप्टिक शॉक अभी मैंने आपको बताया ड्यू टू एनी इन्फेक्शन यू कैन से सो so, आपने माइक्रोबायोलॉजी अगर पढ़ी है और इन योर ट्वेल्थ सिलेबस इफ़ यू हैव रेड अबाउट एनी बैक्टीरिया देन दे आर टू क्लासीफाइड इन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव सो ग्राम नेगेटिव में जो बैक्टीरिया आते हैं वो हैं आपके ईकोलाई एंड सीडोमोनास एंड ग्राम पॉजिटिव में स्टेफ्लोकोकस और यस फंजाई है कैंडिडा स्पीसीज का कैंडिडा अच्छा एल्बिकेंस एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका सो so, ये तीन सेप्टिक शॉक के कारण हैं जी है अदर टाइप में मैंने आपको ट्रोमैटिक न्यूरोजेनिक और हाइपो शॉक बताया था सो so, ट्रोमैटिक की बात करूँ जैसे किसी भी तरह का सीवियर इंजरी हो या फिर तो सर्जरी के दौरान काफ़ी ब्लड लॉस हो गया हो उसका तो आपका ट्रोमैटिक शॉक आएगा न्यूरोजेनिक में कह सकते हैं उसे हेड इंजरी हुई हो या फिर उसका हाई सर्वाइकल या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ हो तो ये आपका न्यूरोजेनिक शॉक हो गया अब अगर मैं बात करूँ हाइपो एड्रिनल शॉक की हाइपो एड्रिनल में आप कह सकते हैं अगर आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे प्रेगनीसोलॉन ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है अगर आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हाई डोज लिया है देन दिस कैन कॉज ऑफ हाइपो एड्रिनल शॉक सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशंसी एग्जाम्पल इन ट्यूबोक्लासिस सो दिस इज द इटियोलॉजी ऑफ योर शॉक ये एक टेबल मैंने हर्ष मोहन से बनाई एंड अगर आप एग्ज़ाम में ये आंसर लिख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जरूर आता है पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है आपका एंड तो अगर आप ये बनाएंगे देन यू कैन ऑप्टेन गुड मार्क्स इन योर एग्जाम सो आपको एक तरफ ईटियोलॉजी लिखनी है और एक तरफ पैथोजेनेसिस लिखनी है ईटियोलॉजी में आपको हाइपोवाल्पिक शॉक सेप्टिक कार्डियोजेनिक एंड अदर टाइप्स आपको ये टेबल बनाने के बाद उसका पैथोजेनेसिस लिखना है पैथोजेनेसिस हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से उसका सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसकी वजह से उसका वीनस रिटर्न जो हर्ट को जा रहा है वो भी डिक्रीज होगा एंड द कार्डियक आउटपुट विल आल्सो डिक्रीज ड्यू टू विच ब्लड फ्लो विल डिक्रीज एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो डिक्रीज ड्यू टू दीज रीजन्स द पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम एनॉक्सिया एनाक्सिया मीन्स एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे जो कि बॉडी को शॉक में ले आएंगे दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक मैंने यहाँ एटियोलॉजी लिखी एंड यहाँ पैथोजेनेसिस लिखी हर्ष मोहन अगर आप पढ़ रहे हैं देन यू कैन फाइंड आउट दिस रे डायग्राम इन द बुक एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ शॉक अगर आप ये बनाते हैं देन यू कैन ऑपटेन गुड मार्क्स चलिए अब मैं आपको क्लिनिकल फीचर्स बताती हूँ अगर पेशेंट शॉक में है तो उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं पेशेंट विल सफर फ्रॉम दीज क्लिनिकल फीचर्स जो आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगी सर दर्द होगा उसे नोजिया वॉमिटिंग सी फीलिंग आएगी उसे वॉमिटिंग भी हो सकती है पेशेंट फैटी हो जाएगा नमनेस उसे विजन प्रॉब्लम नर्वसनेस मेमोरी लॉस इरिटेबिलिटी सैडनेस हाइपोटेंशन शेलो एंड रैपिड रेस्पिरेशन ड्राउजनेस टैकीकार्डिया एंड क्लोड कोल्ड एंड क्लैम स्किन सो दिस इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ शॉक अब अगर अब मैं अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे सो दीज आर सम इन्वेस्टिगेशंस आप सी टी स्कैन एक्सरे एम आर आई अल्ट्रासाउंड टी एल सी सी बी सी एच वी एन ई एस आर डी एल सी सो दीज आर इन्वेस्टिगेट दैट द पर्सन इज सफ़रिंग फ्रॉम शॉक नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आप दे सकते हैं उसे ड्रग्स में एंटी सीजर अगर उसे ट्रेमर, ट्रेमर आ रहे हैं और ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी सीज देन यू कैन गिव हिम एंटीसीजियो ड्रग योर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और एंटी बायोटिक्स अगर पेशेंट काफ़ी सीरियस है देन यू कैन गिव ऑक्सीजन थेरेपी फ्लूड थेरेपी एंड अगर उसे हाइपोवॉलमिक शॉक हुआ है उसका ब्लड काफ़ी लॉस हुआ है देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा एंड द लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी एंड अगर अब मैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो आप उसे इलेक्ट्रोकनवल्सिव थेरेपी दे सकते हैं सी पी आर दे सकते हैं एंड आपको पर्सन को वॉर्म एंड कम्फर्टेबल रखना है सो दिस इज ऑल अबाउट योर शॉप एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर दिस वेरी वेल आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्माइलिंग